नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक नेटवर्कर हैं, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ज्यादा बड़ी टीम बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो लोग आपकी टीम के अंदर शामिल नहीं होना चाहते, जो लोग आपको ना बोलते हैं कि यार सोचकर बताऊंगा, कल बताऊंगा, मैं इसके अंदर बहुत कर चुका हूं, मेरे को जोड़ने तोड़ने का काम पसंद नहीं है, तो उनकी ना को आप किस प्रकार से हाँ में बदलो और किस प्रकार से आप अपनी अच्छी खासी बड़ी टीम बनाकर हजारों लाखों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कड़ी से कड़ी अगर हम जोड़ते हैं तो जंजीर बन जाती है, और अगर हम मेहनत पे मेहनत करते चले जाते हैं तो तकदीर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति को प्लान बता रहे हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, सबसे पहले आप अपना प्लान बताने से आप सामने वाले को पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करिए कि आखिर उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो अपने जीवन के अंदर करना क्या चाहता है, पहले उसने क्या किया और क्या उम्मीद वो लगा के बैठा है। जब आप उसकी सारी की सारी गतिविधि को जान लोगे, भाप लोगे, और उसके बाद अगर आप अपना प्लान उसके समक्ष रखते हो, उसको बताते हो, तो डेफिनेट आपके बताने के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जरूर जुड़ने होगा। और दूसरा सबसे मेन चीज है कि आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को कन्वेंस कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप उसको बताने की जानकारी दे रहे हो, तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज करिए। जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो उसकी क्वालिटी आप चेक करोगे तो आपके बोलने के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और सामने वाले को आप क्विकली अपनी टीम के अंदर शामिल कर लोगे। तीसरा सबसे मेन चीज है कि आप सामने वाले के साथ कभी भी आर्गुमेंट स्टार्ट मत करिए। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लीडर्स का फेल होने का कारण यही है कि वो सामने वाले के साथ आर्गुमेंट स्टार्ट कर देता है। जहां पर आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ वहां पर ये मान लीजिए आप उस मेंबर को अपनी टीम के अंदर शामिल नहीं कर पाओगे। और अगला ध्यान आपको रखना है अपनी ड्रेस कोड का। जी हाँ दोस्तों, आपको वेल अप टू डेट रहना है, बोलने के अंदर आपको थोड़ी सी अपनी बदलाव करना होगा, बिल्कुल आपको नपे तुले शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि आप कभी भी उसको ज्यादा समय मत दीजिए। मैक्सिमम समय की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने प्लान को सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहते हो तो कोशिश यही कीजिए कि 20 या 25 मिनट से ज्यादा समय आप सामने वाले व्यक्ति को मत दीजिए, समय सीमित रखिए, और जैसे ही अपना समय अवधि समाप्त होती है आप कुछ ना कुछ बहाना कर वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप जितना ज्यादा समय सामने वाले व्यक्ति को दोगे तो डेफिनेट वो आपकी टीम के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। गरीब मीलों चलता है रोटी कमाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है रोटी पचाने के लिए। तो सारी चीजों के दो पहलू होते हैं, तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप उसको सीमित समय दीजिए। जितना सीमित समय में आप अपना प्लान बताओगे और प्लान बताने के बाद में आप वहां से निकलने की कोशिश कीजिए ताकि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़े, और जितना ज्यादा समय आप उसको दोगे तो डेफिनेट उतने ही कम चांस होंगे कि वो आपके साथ शामिल हो, वो आपकी टीम का मेंबर बने और आपकी कंपनी के साथ ज्वाइन हो। तो ऐसा मत करिएगा, सीमित समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्लान को बताइए, और जैसे ही आपकी समय अवधि समाप्त होती है वहां से आप निकलने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्सों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप लोगों की ना को हाँ में बहुत ही आसानी से बदल सकते हो, और आप भी अपनी अच्छी खासी टीम बनाकर नेटवर्क मार्केटिंग से हजारों लाखों रुपए कमा सकते। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।